प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रकोप से पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ईरान से लाए गए भारतीय नागरिकों सहित राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 93 हो चुकी है। ये बढ़ती संख्या प्रदेश के लिए कहीं न कहीं चिंता का विषय बनती जा रही है। ऐसे में सतर्कता को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि विभाग कोरोना संक्रमण को कम करने में लगा हुआ है। प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव मिले मरीजों में से 17 लोगों को ठीक भी किया जा चुका है। प्रदेश में 1,00,000 क्वारंटाइन बनने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए हैं, जिनमें से 95,000 क्वारंटाइन बनाए जा चुके हैं। आइसोलेशन के 16,000 बेड अभी उपलब्ध हैं। प्रदेश में 27,000 से अधिक टीमें 78,50,000 घरों का सर्वे कर 3,00,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग कर चुकी है। प्रदेश में चिकित्सा कर्मी लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर और चिकित्सा विभाग ने सराहनीय काम किया है। चौदह आदमियों को उपचार के बाद में हम पॉजिटिव से नेगेटिव करने में कामयाब हुए हैं। उसमें से 4 लोगों की छुट्टी हो गई है और 10 लोग अभी चिकित्सा विभाग की निगरानी में है। कुल मिलाकर राजस्थान में जो 1,00,000 क्वारंटाइन बेड की फैसिलिटी डेवलप करने के निर्देश मिले थे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमने 95,000 बेड्स चिन्हित कर लिए हैं। आइसोलेशन के जो बेड हैं वो भी करीब 16,000 बेड हमारे पास उपलब्ध हैं। करीब चिकित्सा विभाग की 27,000 से ज्यादा टीमें पिछले दिनों से एक्टिव सर्विलेंस का जो काम कर रही थी, घर घर जाकर सर्वे करने का, 78,50,000 परिवारों का सर्वे उन्होंने किया और 3,26,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग का काम भी हुआ। अब चूंकि पड़ोसी राज्यों से और विदेशों से बड़ी संख्या में लोग अपने अपने गांव में आए हैं, शहरों में आए हैं, तो हमारे लिए एक चिंता की बात और हो गई है। इसलिए ये जो स्क्रीनिंग का काम है या एक्टिव सर्विलेंस का काम है, इसको तेज गति से करने का लक्ष्य हमने आने वाले 2-3 दिन में किया है, ताकि जो बचे हुए लोग हैं या जो नए लोग आए हैं उनको भी चिकित्सा विभाग की टीमें स्क्रीन कर पाएं। उनमें जिन पे सिम्टोमेटिक केसेस हैं उनके सैंपल का कलेक्शन का काम हो जाए, ताकि समयबद्ध तरीके से उनकी जांचें हो जाए, तो ये जो कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा हमारे सामने है उससे हम राजस्थान को बचा सकते हैं। कुल मिलाकर हमारे पास पर्याप्त वेंटिलेटर हैं। आरएमएससीएल को प्रोक्योरमेंट के लिए कह दिया गया है, जितनी भी जरूरत पड़े, पैसे की कोई कमी नहीं है। पीपीई किट पर्याप्त मात्रा में है, N95 मास्क भी पर्याप्त मात्रा में है और ट्रिपल लेयर मास्क भी पर्याप्त मात्रा में है। हैंड सैनिटाइजर की कोई कमी नहीं है। तो राजस्थान में जो चिकित्सा कर्मी है वॉर फुट पे, वो लोगों को बचाने के काम में लगे हुए हैं और बहुत ही उत्कृष्ट काम भीलवाड़ा में हुआ है। वहां का जिला प्रशासन है, वहां जो रैपिड रिस्पॉन्स की टीम है, वहां हमारे जो चिकित्सा विभाग के दल थे, करीब 2,000 लोगों का दल तो ग्रामीण क्षेत्र में और 332 लोगों की टीम शहर में, दो दो तीन तीन बार स्क्रीन किया है। एक्टिव सर्विलेंस के तहत 28,00,000 लोगों का स्क्रीनिंग का काम हुआ है, तो वहां हम स्थिति को नियंत्रित कर पाए। हमारी चिंता अब रामगंज में जो एक पॉजिटिव केस सामने आया था 2 दिन पहले, अब वो जाके संख्या 21 हो गई है, तो ये यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है। अजमेर में भी जो एक केस पॉजिटिव आया था वहां भी संख्या बढ़ गई, 5 हो गई। तो कुल मिला के ये जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम है ये हमारे लिए गंभीर हो गया है, जहां पॉजिटिव केसेस की संख्या में वृद्धि हुई है, ये किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं वो काम जारी है। अभी तक तो 1,600 लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दायरे में हम लेके आए, लेकिन अभी संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे नए मरीज उन लोगों। प्रदेश के मुखिया कोरोना वायरस को लेकर